दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक जैपनीज हॉरर मूवी को देखा था जिसका नाम था स्टेयर। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी और ये मूवी एक ऐसी चुड़ैल के बारे में है जो लोगों को देखने भर से ही मार देती है। आईएमडीबी ने इसे 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है एंड इट्स 86% फ्रेश ऑन रॉटन टोमेटोज। दोस्तों, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डरावनी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम स्टेयर मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम मिज़ुकी और उसकी दोस्त कन्ना को देख पाते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे, पर तभी कन्ना थोड़ा अजीब बिहेव करने लगती है। वो खिड़की के पास जाके खड़ी हो जाती है और वो डरने लगती है, और सीन जाता है अनीकी नाम के एक लड़के पे। अनीकी अपने भाई कजूतो से फ़ोन पे बात कर रहा था और तभी कजूतो अनीकी से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगता है। दूसरी तरफ हमें कजूतो को भी दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसके घर में उसे एक डार्क फिगर दिखाई दे रही थी। इसके बाद कजूतो फ़ोन काट देता है और अनीकी घबराते हुए घर पहुँचता है, जहाँ पे कजूतो गेट नहीं खोलता और वो अपना फ़ोन भी नहीं उठाता क्योंकि वो मारा जा चुका है और उसकी आँखें भी किसी ने बाहर निकाल ली थी। इसके बाद हमें अनीकी और उसके पापा को कजूतो की बॉडी के पास दिखाते हैं, जहाँ पे एक डिटेक्टिव बताता है कि कजूतो की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है और मरते वक्त उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था और इसलिए उसकी आंखें बाहर निकल गई। पर कजूतो की मौत एक नॉर्मल मौत है, इस बात पर अनीकी को यकीन नहीं होता। अनीकी अब थोड़ा अपने भाई की मौत को इन्वेस्टिगेट करता है और वो कजूतो के फेसबुक अकाउंट को चेक करता है, जहाँ से उसे पता चलता है कन्ना नाम की एक लड़की के बारे में। अनीकी को पता चलता है कि कन्ना भी मर चुकी है, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कजूतो मरा था, और इसलिए कन्ना की फ्रेंड लिस्ट को चेक करने के बाद अनीकी मिलने पहुँचता है उसकी बेस्ट फ्रेंड मिज़ुकी से। मिज़ुकी और अनीकी अब एक दूसरे से बात करते हैं और मिज़ुकी भी कजूतो की मौत से चौंक जाती है। मिज़ुकी अब अनीकी को बताती है कि कन्ना की कैसे मौत हुई थी और सीन जाता है पास्ट में। पास्ट में हम लोग देख पाते हैं कन्ना को जो खिड़की के पास खड़ी थी और वो किसी चीज़ से डर रही थी। डरते डरते कन्ना पीछे ज़मीन पर गिर जाती है और मिज़ुकी उसे संभालती है। मिज़ुकी कन्ना से पूछती है कि आखिर वो किस चीज़ से डर रही है, पर इससे पहले कन्ना कुछ भी बता पाती उसकी आंखें फूट जाती है और वो बुरी तरह मारी जाती है। मिज़ुकी कन्ना को देख कर चिल्लाती है और यहाँ से सीन जाता है एक रेस्टोरेंट में। हम लोग अब तोशियो नाम के एक वर्कर को देख पाते हैं जिसके पास एक दूसरी वर्कर आती है। वो दूसरी वर्कर तोशियो को बताती है कि वातानाबे मर चुका है और उसकी लाश उसके अपार्टमेंट में मिली है। ये बात सुनके तोशियो परेशान हो जाता है और हमें पता चलता है कि वातानाबे असल में इसी रेस्टोरेंट में अक्सर आया करता था। वातानाबे असल में है कौन, ये हमें बाद में पता चलेगा, पर अब हमें अनीकी और मिज़ुकी को दिखाते हैं और वो दोनों कन्ना और कजूतो की एक म्यूचुअल फ्रेंड के घर पहुंचते हैं जिसका नाम है ईको। वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन ईको को देते हैं और फिर ईको उन दोनों को घर में ले जाती है। अनीकी और मिज़ुकी नोटिस करते हैं कि ईको भी थोड़ी डरी हुई है और अब ईको बताती है कि कन्ना और कजूतो को जरूर बड़ी आंखों वाली औरत ने मारा होगा। अनीकी और मिज़ुकी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ईको अब पास्ट की एक बात बताती है और सीन जाता है पास्ट में। पास्ट में हम लोग कन्ना, ईको और कजूतो को साथ में देख पाते हैं और वो तीनों उसी रेस्टोरेंट में होते हैं जो अभी हमें कुछ देर पहले दिखाया गया था। वो तीनों एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे थे और तभी उनके पास वातानाबे आता है और वो उन तीनों को एक बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी सुनाने की बात करता है। कन्ना वातानाबे का ऑफर मान जाती है और वातानाबे उन सबके साथ बैठ जाता है। वातानाबे अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है और तभी वहाँ पे तोशियो भी आ जाता है और वो भी वातानाबे की कहानी सुनने के लिए वहीं पे बैठ जाता है।
वातानाबे की कहानी होती है एक आदमी के बारे में जो रात के टाइम अकेला जंगलों में से निकल रहा था और उसका पीछा अचानक से ही एक अजीब औरत करने लगी थी। वो आदमी अपने रास्ते में रुक जाता है और वो उस औरत से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, और वो औरत बोलती है कि तुम मेरा नाम जानते हो और इसलिए ही मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। सीन यहाँ से प्रेजेंट में जाता है जहाँ पे यही सेम कहानी ईको अनिकी और मिजुकी को सुना रही थी, पर जब कहानी में उस औरत का नाम बताने की बारी आती है तो ईको उन दोनों को उस औरत का नाम नहीं बताती और कहानी के एंड में ईको उन दोनों को बोलती है कि वो औरत अब तुम्हारे को मारने के लिए आएगी। ये कहानी सुनाने के बाद ईको चाय बनाने के लिए चली जाती है और अनिकी और मिजुकी दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद जब ईको वापस नहीं आती तो अनिकी उसे चेक करने के लिए जाता है और वो देखता है कि ईको ने खुद को फांसी पे लटका लिया है। अनिकी तुरंत ही ईको को बचा लेता है और मिजुकी को बुलाता है। वो दोनों ही ईको की जान बचा लेते हैं, पर बेहोश होने से पहले ईको बोलती है कि शिराई-सान तुम्हारे को मारने आ रही है। सीन वापस पास्ट में जाता है जहाँ पे वातानाबे कहानी सुना रहा था और हम लोग देखते हैं कि उस कहानी वाली औरत का नाम ही शिराई-सा है और वो एक ऐसी आत्मा है जो उन लोगों के पीछे आती है जिन्हें उसका नाम पता होता है। कहानी के बाद वातानाबे सब लोगों को बोलता है कि अब शिराई-सा तुम लोगों को मारने के लिए आएगी और हम लोग समझ जाते हैं कि जिस आत्मा ने कजुतो और कन्ना को मारा था वो शिराई-सान की ही आत्मा थी और इसलिए ही ईको ने कहानी सुनाते वक्त शिराई-सा का नाम अनिकी और मिजुकी को नहीं बताया था ताकि वो दोनों मुसीबत में ना फंस जाए। पर जब बेहोश होने से पहले ईको ने शिराई-सा का नाम लिया तो अब उस औरत का कर्ज अनिकी और मिजुकी को भी लग चुका है। सीन जाता है हॉस्पिटल में जहाँ पे ईको को होश आता है और अनिकी और मिजुकी उसी के पास होते हैं। अब वो दोनों ईको से शिराई-सा के बारे में पूछते हैं और जब ईको को पता चलता है कि उसने अनजाने में उन दोनों को वो नाम बता दिया है तो वो घबराते हुए बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, पर अब तुम दोनों भी श्रापित हो। यहाँ से सीन जाता है तोशियो पे जो रेस्टोरेंट से घर जा रहा था, पर रास्ते में उसे रोड पे बैठी हुई एक औरत दिखाई देती है। वो औरत उठकर खड़ी होती है और उसके हाथ में एक छेद होता है जिसमें से धागा निकला हुआ था और उस धागे में एक घुंघरू बंधा हुआ था। उस औरत को देखकर तोशियो बुरी तरीके से डर जाता है और वो भागता है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ईको अनिकी और मिजुकी को शिराई-सा के बारे में सब कुछ बता देती है जिससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। अब तोशियो को दिखाते हैं जिसका पीछा शिराई-सा नहीं छोड़ रही थी और एंड में तोशियो रोड पे गिर जाता है और शिराई-सा उसके सामने आ जाती है जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। तोशियो अब शिराई-सा को घूरने लगता है और वो चिल्लाता है और यहाँ से सीन अगले दिन पे शिफ्ट हो जाता है। हम लोग अब देखते हैं मिजुकी को जो क्लासरूम में अकेले पढ़ रही थी, पर तभी एक औरत उसका हाथ पकड़ लेती है जो अगले ही पल गायब हो जाती है और मिजुकी घबरा जाती है। सीन जाता है एक रिपोर्टर की फैमिली पे जहाँ पे रिपोर्टर की वाइफ रिपोर्टर को काजुतो और कन्ना की मिस्ट्री के बारे में बताती है और अब वो रिपोर्टर फैसला करता है उस मर्डर मिस्ट्री पे काम करने का। इसके बाद हमें हॉस्पिटल में ईको को दिखाते हैं जहाँ पे वो अनिकी और मिजुकी के लिए एक अपोलॉजी लेटर लिख रही थी क्योंकि उसी की वजह से उन दोनों को शिराई-सा के बारे में पता चला था। और दूसरी तरफ हमें मिजुकी को दिखाते हैं जिसे किचन में शिराई-सा दिखाई देती है और इसलिए ही मिजुकी डिनर के लिए अनिकी को घर पे बुला लेती है। मिजुकी और अनिकी साथ में अब डिनर करते हैं और दूसरी तरफ ईको अपने लेटर को पोस्ट कर देती है। ईको अब वापस हॉस्पिटल में आती है पर उसे हॉलवे के एंड में शिराई-सा दिखाई देती है। शिराई-सा उसी की तरफ बढ़ने लगती है और ईको डर के वहाँ से भागती है, पर भागते भागते वो हॉलवे में गिर जाती है और शिराई-सा उस तक पहुँच जाती है। शिराई-सा ईको को अब घूरने लगती है और जैसे ही ईको चिल्लाती है उसकी आंखें ब्लास्ट हो जाती है और वो भी बुरी तरह मारी जाती है। सीन उस रिपोर्टर पे जाता है जो अपनी रिपोर्ट के लिए ईको के घर पहुंचता है जहाँ पे दो लड़कियाँ उसे बताती हैं कि ईको हॉस्पिटल में है। वो रिपोर्टर अब हॉस्पिटल में पहुंचता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि ईको मर चुकी है, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कजुतो और कन्ना मरे थे।
हॉस्पिटल में हम लोग अनिकी और मिज़ुकी को भी देख पाते हैं और जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो उनकी मुलाकात होती है रिपोर्टर से। उस रिपोर्टर को जब पता चलता है कि अनिकी और मिज़ुकी कन्ना और कज़ुतो से रिलेटेड हैं तो वो उन दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। इंटरव्यू के बीच में मिज़ुकी रिपोर्टर को इस केस से दूर रहने के लिए बोलती है, पर उस रिपोर्टर को उन दोनों से उस रेस्टोरेंट का पता मिल जाता है। इंटरव्यू के बाद रिपोर्टर सीधा रेस्टोरेंट में पहुंचता है तोशियो से बात करने के लिए, पर उसे पता चलता है कि तोशियो कुछ दिन से काम पे नहीं आया है। वो रिपोर्टर अब तोशियो के घर पहुंच जाता है जहां पे वो मिलता है उसकी माँ से, और तोशियो की माँ बताती है कि तोशियो किसी वजह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है। सीन जाता है अनिकी और मिज़ुकी पे और वो दोनों पहुंचते हैं उस जगह पे जहाँ पे वातानाबे काम करता था। वहाँ पे उन दोनों को वातानाबे का एक दोस्त मिलता है जो उन्हें बताता है कि वातानाबे कुछ ही दिनों पहले मर गया है, पर वातानाबे का दोस्त ये भी बताता है कि उसकी मौत के कुछ दिनों पहले वातानाबे को अपनी बचपन की एक डायरी मिली थी और उस डायरी में एक डरावनी कहानी लिखी हुई थी जो बचपन में वातानाबे के टीचर ने उसे सुनाई थी, पर वातानाबे उस कहानी को अपनी डायरी में लिखने के बाद भूल गया था। यहाँ पे अब अनिकी को सारी चीज़ें समझ आने लगती है और वो समझ जाता है कि बचपन में वातानाबे को शिराई सा ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो उसकी कहानी को भूल गया था, पर बड़े होने के बाद उसने अपनी डायरी में जब उस कहानी को पढ़ा तो फिर से उसे श्राप लग गया और उसके बाद वातानाबे ने अनजाने में अपने श्राप को कज़ुतो और बाकी लोगों के बीच में भी फैला दिया, जिसके बाद सब लोग एक एक करके मारे गए सिवाय तोशियो के जो अभी भी जिंदा है। अब हमें तोशियो को दिखाते हैं जिसके पास रिपोर्टर बात करने के लिए पहुंचता है। तोशियो रिपोर्टर को भी अपनी प्रॉब्लम बता देता है और वो रिपोर्टर को शिराइसा की कहानी भी बता देता है, जिससे रिपोर्टर को भी कर्स लग जाता है। पर यहाँ पे तोशियो बताता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे बचा हुआ है और हमें पता चलता है कि अगर कोई शिराइसा की आंखों में लगातार घूरता रहे तो शिराइसा अपनी जगह पे ही रुक जाती है और वो आगे नहीं बढ़ती, और इसलिए ही उस रात को शिराइसा से तोशियो बच गया था क्योंकि तोशियो शिराइसा को घूरने लगा था और शिराइसा अपनी ही जगह पे स्टैचू बन गई थी और इसलिए ही तोशियो वहां से भाग पाया। अब ऑब्वियसली रिपोर्टर को तोशियो की बातों पे यकीन नहीं होता और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करके वहां से चले जाता है, जिसके बाद शिराइसा उस रिपोर्टर को भी दिखने लगती है। शिराइसा के बारे में वो रिपोर्टर अपनी बीवी को भी फोन पे बता देता है और अनजाने में वो अपनी बीवी को भी श्राप लगा देता है। इसके बाद वो रिपोर्टर अनिकी के घर उससे मिलने के लिए जाता है और वो उससे शिराइसा के बारे में पूछता है। अनिकी घबरा जाता है ये जानकर कि अब रिपोर्टर भी कर्ज्ड है। अनिकी अब रिपोर्टर को समझाता है कि तोशियो ने उसे जो भी बताया वो बिल्कुल सच है, और दूसरी तरफ हमें मिज़ुकी को दिखाते हैं जिसके सामने शिराइसा आ जाती है उसे मारने के लिए। शिराइसा मिज़ुकी की तरफ बढ़ती है पर वो अनिकी को फ़ोन करके सब कुछ बताती है, और अनिकी रिपोर्टर की बातों को सुनने के बाद मिज़ुकी को शिराइसा को घूरने के लिए बोलता है और वो मिज़ुकी को समझाता है कि अगर वो शिराइसा को लगातार घूरती रहेगी तो वो अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ेगी। मिज़ुकी फ़ोन काटती है और वो शिराइसा को घूरने लगती है और शिराइसा अपनी जगह पे ही रुक जाती है। अब मिज़ुकी शिराइसा को घूरते हुए ही वहां से भागती है, पर एंड में भागते भागते गली का रास्ता बंद हो जाता है और तभी कन्ना की स्पिरिट मिज़ुकी के पीछे आके उसे अपनी तरफ देखने के लिए बोलती है, पर मिज़ुकी अपनी नज़र शिराइसा से नहीं हटाती और कन्ना की स्पिरिट लगातार मिज़ुकी को मोलेस्ट करती रहती है। थोड़ी देर बाद कन्ना की स्पिरिट मिज़ुकी को इमोशनल ब्लैकमेल भी करने लगती है और मिज़ुकी नीचे बैठ के रोने लगती है, और मौका मिलते ही शिराइसा उसकी तरफ बढ़ने लगती है। शिराइसा मिज़ुकी को मारने ही वाली थी पर तभी वहां पे अनिकी आ जाता है और वो मिज़ुकी को पकड़ लेता है। अब अनिकी और मिज़ुकी शिराइसा को घूरते हुए पीछे हटते हैं और गली के एंड में जाके बैठ जाते हैं और शिराइसा अपनी जगह से नहीं हिलती। वो दोनों इस सिचुएशन में घंटों तक फंसे रहते हैं और कन्ना की आत्मा कंटिन्यूसली मिज़ुकी को मैनिपुलेट कर रही थी और शिराइसा लगातार टकटकी लगाकर उन दोनों को ही घूरे जा रही थी। कुछ घंटों बाद अनिकी फैसला करता है शिराइसा को घूरते हुए उसके बगल में से निकलने का, और जब वो दोनों शिराइसा के बगल में से निकलते हैं तो शिराइसा मिज़ुकी की आंखों में घूरती है और मिज़ुकी अचानक ही एक पुरानी गुफा में पहुंच जाती है।
उस गुफा में मीजू की इधर उधर घूमती है और फिर उसे एक जगह पे शिराइसा बैठी हुई मिलती है और वो अपने इंसानी रूप में होती है और यहाँ से सीन अगले दिन पे शिफ्ट हो जाता है। अगली सुबह अनिकी और मिज़ुकी को होश आता है और वो दोनों ही खुश होते हैं ये देखकर कि शिराइसा ने उन्हें बेहोशी की हालत में नहीं मारा। वो दोनों अब जाते हैं रिपोर्टर के पास जहाँ पे वो तीनों फैसला करते हैं उस टीचर का पता लगाने का जिसने बचपन में कहानी को वातानाबे को सुनाया था। वो तीनों पहुंचते हैं वातानाबे के घर पे जहाँ पे वो मिलते हैं उसके भाई से। वातानाबे का भाई उन सबको उस टीचर के बारे में बताता है जिसका नाम था मिज़ुरोगी और वो बच्चों को फोकलोर पढ़ाता था, पर एक दिन वो अचानक ही मारा गया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे प्रेजेंट में अब लोग मारे जा रहे हैं। वातानाबे का भाई ये भी बताता है कि फोकलोर का वो टीचर आसपास के गाँव में से कहानियों को कलेक्ट करके एक लाइब्रेरी में रखता था, जिसके बाद वो तीनों उस लाइब्रेरी में जाते हैं और शिराइसा के नाम की एक किताब को पढ़ने लगते हैं। उस किताब में शिराइसा की सारी कहानी लिखी हुई थी, पर कहानी के साथ ही साथ उस किताब में एक पुराने गांव के बारे में लिखा हुआ था जिसके सारे लोग मिस्टीरियस तरीके से मारे गए थे सिवाय एक औरत के, और लोग उस औरत को चुड़ैल कह के बुलाते थे। और अब ये सब पढ़ने के बाद वो तीनों फैसला करते हैं उसी गाँव में जाने का ताकि उन्हें कुछ पता चल सके जिससे वो कर्ज को ख़त्म कर सके। सीन अब जाता है तोशियो पे जिसके कमरे में फाइनली शिराइसा उसे मारने के लिए आ जाती है। तोशियो डर के मारे चिल्लाता है और उसकी माँ भागते हुए उसके कमरे में पहुंचती है, पर जैसे ही उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है उसे मिलती है तोशियो की बिना आंखों वाली लाश और वो बुरी तरह चिल्लाती है। इसके बाद रिपोर्टर को दिखाते हैं जो अपनी बीवी को फ़ोन करता है और वो उसे शिराइसा की रिपोर्ट को पब्लिश करने से मना कर देता है क्योंकि अगर रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया गया तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। अब अनिकी, मिज़ुकी और रिपोर्टर जाते हैं उस गांव की तरफ, पर रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। उन तीनों के फ़ोन में भी सिग्नल नहीं आता और अब वो तीनों किसी गाड़ी के गुजरने का इंतज़ार करने लगते हैं। इंतज़ार करते करते मिज़ुकी अब कुछ कैलकुलेशंस को करने लगती है और वो नोटिस करती है कि अभी तक जितने भी लोग मरे हैं उनकी मौत के बीच में 3 दिन का गैप है और इसका मतलब शिराइसा 3 दिन में एक बार किसी को मारने के लिए आती है। मिज़ुकी अब थोड़ी और कैलकुलेशंस करती है और उसे एक तरीका मिल जाता है जिससे वो तीनों बच सकते हैं। ये बात मिज़ुकी अनिकी और रिपोर्टर को बताती है और मिज़ुकी उन दोनों को अपनी कैलकुलेशंस भी दिखाती है जिसके हिसाब से अगर शिराइसा का नाम कम से कम 1,00,000 लोग जान जाएं तो शिराइसा 3 दिन में एक बार किसी इंसान को मारने के लिए आएगी, पर शिराइसा पर्टिकुलरली मिज़ुकी अनिकी रिपोर्टर या उसकी बीवी को मारने आएगी इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होंगे। मतलब इस तरीके से वो लोग तो बच जाएंगे पर 3 दिन में कोई और इंसान मारा जाएगा। ये तरीका मिज़ुकी को अच्छा नहीं लगता और अनिकी का भी यही मानना था कि उनकी जान तो बच जाएगी पर और ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, बट रिपोर्टर को ये तरीका बहुत अच्छा लगता है और वो अपना लैपटॉप खोल के शिराइसा की स्टोरी को पब्लिश करने लगता है। पर इस बात पे अनिकी उस पर हमला कर देता है और उसके लैपटॉप को तोड़ डालता है। अब अनिकी और रिपोर्टर में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बीच में रिपोर्टर मिज़ुकी को एक पहाड़ी से नीचे धक्का दे देता है और वहाँ से भाग जाता है। मिज़ुकी एक क्लिफ पर गिरकर बेहोश हो जाती है और अनिकी उसे संभालता है जहाँ पे वो देखता है कि मिज़ुकी के सर में बहुत ही गहरी चोट लग गई है। सीन जाता है रिपोर्टर पे जो भागते भागते जंगल की रोड पे पहुंच जाता है। उसे वहाँ पे फ़ोन में एक सिग्नल फाइनली मिल जाता है और वो तुरंत ही अपनी बीवी को फ़ोन मिलाता है, पर तभी उसके पास आ जाती है शिराइसा। रिपोर्टर अपनी बीवी को स्टोरी पब्लिश करने के लिए बोलता है पर उसकी बीवी को सिग्नल की वजह से कुछ भी साफ सुनाई नहीं देता। अब बात करते करते रिपोर्टर की नज़र एक पल के लिए शिराइसा से हट जाती है और शिराइसा तुरंत ही उसके नज़दीक आ जाती है। फ़ोन अब अपने आप कट हो जाता है और रिपोर्टर को एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है और जिस बच्चे की आवाज़ उसे सुनाई दे रही है वो असल में उसी का बच्चा माओ है जो असल में सालों पहले मर गया था। रिपोर्टर अब अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर इमोशनल हो जाता है और वो शिराइसा से ध्यान हटाकर अपने बच्चे की आवाज़ की तरफ देखता है और जैसे ही शिराइसा को मौका मिलता है शिराइसा उस तक पहुंच जाती है और उसे बुरी तरह मार डालती है। सीन यहाँ से 3 दिन आगे शिफ्ट होता है जहाँ पे अनिकी रिपोर्टर के घर पहुँचता है और उसे पता चलता है कि रिपोर्टर मर चुका है और उसकी बीवी लापता हो गई है।
इसके बाद अनिकी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे वो मिलता है मिजुकी से जिसे आज सुबह ही होश आया था। अनिकी और मिजुकी अब बैठकर बातें करते हैं जहाँ पे मिजुकी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर बातों में मिजुकी बोलती है कि शायद वो किसी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को भूल गई है और तभी अनिकी समझ जाता है कि मिजुकी शिराइसा के बारे में भूल गई है और अब शिराइसा मिजुकी को नहीं मार सकती। अनिकी मिजुकी को शिराइसा के बारे में याद नहीं दिलाता और वो उसका ध्यान भटकाकर वहां से खुश होकर चले जाता है। अनिकी अब अपने घर की ओर बढ़ता है और रास्ते में वो एक ट्रेन ट्रैक के पास रुक जाता है। ट्रेन अनिकी के सामने से गुजरती है पर ट्रेन की दूसरी तरफ उसे शिराइसा दिखाई देती है। ट्रेन की वजह से अनिकी शिराइसा को नहीं घूर पाता और ट्रेन के जाते ही शिराइसा आ जाती है अनिकी के पीछे जो बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन स्टेयर मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि शिराइसा ने अनिकी को मारा होगा या फिर नहीं। पर अब हम लोगों को भी शिराइसा के बारे में सब कुछ पता है और अगर आप लोग शिराइसा से बचना चाहते हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाखों लोग देख ले ताकि शिराइसा आप लोगों तक ना पहुँच सके। मैंने रिसेंटली एक फेसबुक पेज भी बनाया है जिसमें मैं शिराइसा की कहानी को जल्दी ही फैलाने वाला हूँ। पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग सब कुछ फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमारा सपोर्ट जरूर करना। और अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।